जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है। बात ये सूजी वाले रेसिपी की नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये है बहुत ही डिलीशियस सूजी की रेसिपी। मैं यूट्यूब चैनल की बात कर रही हूँ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था एक साल पहले अगस्त में, तो मुझे लगा था कि बहुत ही ईजी है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, लेकिन एक साल के दौरान मुझे पता चल ही गया है कि कितना हार्ड है ये वर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है दही को मट्ठा बनाकर, या तो फिर आप एक कप दही ले लीजिए, 2 से 3 स्पून डालिए इसमें कुकिंग ऑयल, यानी कि ये मस्टर्ड ऑयल ना रहे, बाकी कोई भी ऑयल रहेगा चलेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्पॉन्जी बनाता है ये सूजी का नाश्ता। तो यहाँ पे झटपट बन जाने वाली 5 से 10 मिनट लगेंगे, बस सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है नमक। तो जैसा कि मैंने कहा, जो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि बहुत ही ईजी होता है, कुछ ईजी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो यूट्यूब आने पर, तो सोच समझ के आइएगा। तो आगे मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिलहाल ये देख लीजिए, मैंने 1/2 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर, और फिर मैंने 1/2 चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, तो और 1/2 चम्मच मैंने डाला है नमक। तो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट इसी तरीके से लेना है, 3 स्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच सोडा, खाने वाला सोडा। और ये लीजिए, यहाँ पे फ्रेंड्स सारा मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद इसी पे डाल रही हूँ मैं पानी हल्का, जो बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा डालेंगे ना आप, तो इसी में इसी के ऊपर फॉर्मेट होने के लिए आप पानी का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे पानी का प्रयोग किया, फिर मैंने 2 करछी या तो बोल दीजिए 2 कलछुल, और ये देखिए धनिया की पत्ती थी तो मैं निकाल रही थी लेकिन नहीं निकला, तो मैंने कहा जाने दीजिए, मतलब ड्राई धनिया की पत्ती थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब मेरा ये बैटर जो है, मैंने इसको अच्छे से, अब इस एक बाउल मैंने डालकर सूजी इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट चलाया, ज़्यादा नहीं चलाना है, फिर 10 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रख दो। अब बस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत रखिएगा, लेकिन टाइम है तो ज़रूर रखिएगा। बस मैंने लगाया कुकिंग ऑयल थाली में और इस पर स्प्रेड कर दिया ये सारे बैटर, और बैटर स्प्रेड करने के बाद अब जाएगा ये भाप के लिए। जैसे हम लोग भाप दिलाते हैं ना खम्बन वगैरह को, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे सारे बैटर निकाल दिए। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने कहा कि एक साल से ऊपर हो गए, कुछ भी नहीं है, मेरी मेहनत का कुछ भी फल नहीं मिला। कहते हैं मेहनत करो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिला। इतनी ज़्यादा कसम कस, इतनी ज़्यादा ठूसम ठूस है ना इसी यूट्यूब पे, कि आप मतलब घुसोगे तो किसी तरीके से घुस ही लेंगे, लेकिन बस आपके 10, 5, 15, 20, 25 बहुत जाएंगे, 500, 1000 इतना व्यूज जाकर, और सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे भाई, शॉर्ट वीडियो डालेंगे, लेकिन आपका व्यूज ही नहीं जाएंगे, तो आप थक जाएंगे मेरे जैसे। 1 साल 3 महीने हो गए वीडियो बनाते, यानी 4 महीने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 800 वीडियो बनाए, 800 सब्सक्राइबर हैं, यार मजाक वाली बात हो गई बिल्कुल वीडियो। तो मेरे 2 महीने से लगभग वीडियो बनाने का मन कर नहीं करता, लेकिन फिर कभी याद आता है चलिए यार डाल देते हैं, तो वही नतीजा है। आज मैंने सोचा चलिए डाल ही देते हैं कुछ, तो क्योंकि जुड़े रहते हैं आप सबसे तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यूज़ देखकर मन खटक जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हौसले को आप बिल्कुल भी अपना बुलंद ही रखिए, बिल्कुल भी उसमें कमी ना आने दीजिए। आज नहीं तो कल फल मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि YouTube पे हम जा रहे हैं तो उनको दे के आ रहे हैं, कुछ नहीं बस टाइम और मेहनत, ये दोनों तो लगना ही लगना है, बाकी जो बना रहे हैं वो तो हम खुद खा रहे हैं। तो यहाँ चटनी में डाला है मैंने घुले हुए टमाटर, उसके बाद 2-3 कलियाँ लहसुन, 2-3 हरी मिर्च, और उसके बाद तो यहाँ पर धनिया की पत्ती, और ये सब डालने के बाद आप चाहे तो ड्राई मूंगफली का दाना भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चना आप डाल सकते हैं, 4 चम्मच चना 4 चम्मच मूंगफली का दाना, बहुत टेस्टी चटनी बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल दिया है, बस अब इसको ग्राइंड कर लिया है, ये लीजिए ग्राइंड किया हुआ चटनी बनके तैयार है। और यहाँ पे मेरी थाली सेट नहीं हो रही थी, टोपे के अंदर नहीं जा रही थी, मैंने प्लेट में कर दिया था। तो ये लीजिए, यहाँ पे सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। तो आप इसको झटपट बना के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, किसी को नाश्ते में भी दे सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। चाहे तो ड्राई खाइए, इसको फ्राई करके करी पत्ता और सरसों के साथ, जिसको चटनी नहीं पसंद है वैसे चटनी के साथ बहुत ही अच्छी फीलिंग
आपको आएंगी, जैसे इडली से भी टेस्टी लगेंगे ये आपको। तो इस तरीके से कभी बना के देखिएगा, झटपट आपका सूजी का नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि मेहनत का कोई अंत नहीं होता है, मेहनत कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बीच में से मैंने जगह खाली किया कि थोड़ी सी इसको अलग बना देते हैं, चटनी इसके बीच उड़ा के, ताकि बच्चे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि चटनी अलग से नहीं, इसके अंदर ही पका हुआ बना हुआ मिल गया है। तो यहाँ पे आ गई है सर्दियों का मौसम, और गला थोड़े से खराश पे आ गए हैं। तो मैंने बैठे बैठे ये लगभग मैं वीडियो बनाई हूँ 2 हफ्ते से, लेकिन मैं एकदम डीमोटिवेट हो गई इसलिए मैं वीडियो नहीं डाली। लेकिन आज मेरा मन किया कि चलिए वॉइस ओवर करके ये वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा, ज़िंदगी में संघर्ष ज़रूरी है, लेकिन संघर्ष का कभी ना कभी फल सुनते हैं मिलता ही मिलता है। तो क्या आप सबको कभी ऐसे संघर्ष में फल मिला है? तो अगर मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरी ये सूजी का नाश्ता यानी ढोकले टाइप का कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।